उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनाव को लेकर किस स्तर पर तैयारियां की गई हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे से खास बातचीत की हमारे हरिद्वार ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने। इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। चुनाव आयोग ने 22 तारीख तक चुनाव आयोग प्रचार के भी रोक लगाई है। हमारे साथ डीएम हरिद्वार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। डीएम साहब, किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव में, कोविड का ध्यान रखते हैं? देखिए, अभी निर्वाचन आयोग ने 22 तारीख तक रैलियों पर, रोड शोज, बाइक बाइसाइकिल जो शो होते हैं उन पर सब रोक लगा रखी है और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। हमारी सारी टीमें FST की सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और ROs फील्ड में हैं और उन लोगों का हर संभव प्रयास है किसी भी दशा में आचार संहिता का कोई उल्लंघन न हो। यदि कोई मामले आ रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फैसला लिया है कि आपराधिक प्रवृत्ति के जितने भी नेता है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है वो उन पर उनका जो डाटा है अपराधी सारा ऑनलाइन किया जाएगा, उस पर क्या दिखे? देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दो पिटीशंस थी उस पर आदेश किए थे, उसको ही निर्वाचन आयोग ने समराइज करते हुए एक निर्देश सभी DOs को भेजा है और हमारे CEO के पास भी गया है। सभी पोलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों को मीटिंग बुला के उन्हें बता दिया गया है कि उनका जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे उन्हें अपना नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में इसको शो करना पड़ेगा। इसके अलावा 3 बार उन्हें समाचार पत्रों में विड्रॉल के बाद प्रकाशन कराना होगा, एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में और एक लोकल समाचार पत्र में, साथ ही TV सोशल मीडिया पर भी उसका प्रकाशन करना होगा और ये बात सभी पोलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों को विधिवत बता दी। यदि किसी नेता पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होंगे तो क्या उनका नॉमिनेशन कैंसिल किया जाएगा? ऐसा कोई प्रावधान नहीं, केवल ये है जो कन्विक्टेड होंगे, जिनको कन्विक्शन हो चुका है किसी बड़े अपराध के मामले में, जिसमें 3 साल ऊपर है, तो उसके लिए प्रावधान है। वैसे वो चुनाव लड़ने से अयोग्य होता है, बाकी मामलों में अगर मामला अगर ट्रायल है तो जब तक कोर्ट से साबित नहीं हो जाएगा चुनाव लड़ने के प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसकी सूचना समाचार पत्रों में दी जाएगी ताकि लोकल मतदाता जान सकें कि वो जिस उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं उसका इतिहास क्या है।